ये क्या बकवास है जीना? तुम जो कर रहे हो वो बकवास नहीं है गुरुजी। अश्विन इज माय फ्रेंड। ओह, आई सी। ये एपिसोड कब शुरू हुआ हमें तो पता नहीं चला, और यहाँ ही अश्विन कुमार अपनी बीवी के लिए चिंतित था। दरअसल गुरुजी, जीना जी और मैं बिजनेस पार्टनर से। पार्टनर तो संजय अश्विन कुमार, लेकिन बिजनेस क्या होता है ये तुम नहीं जानते। जीना, इस आदमी ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यू शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड गुरु जी कि इसने राणा को जिंदा छोड़ा, ये तो इसकी शराफत है। और हाँ गुरु जी, अब मेरी शराफत थक चुकी है, उसे आराम की जरूरत है। यू बेटर बी केयरफुल बिकॉज़ आई एम अ डेंजरस गाय टू। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुजी कि मेरी पत्नी तुम्हारे बेटे की फिल्म नहीं करूँ। क्यों ना करूँ मैं राणा की फिल्म? और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम लाख इनकार करो फिर भी मैं तुम्हारा पति। तो पति की हैसियत से रोक रहे हो तुम? तुम्हारी जिंदगी में मेरी जो भी हैसियत हो मोहिनी, तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। मैं राणा से एडवांस ले चुकी हूँ। तो लौटा दो उसे, मैं शुरू करता हूँ तुम्हारे लिए फिल्म। जैसे चाहत शुरू की थी, सपने दिखाने बंद कर दो अश्विन, तुम्हारे कमीने पन ने मेरी आंखें खोल दी। माय गॉड, कितना गुस्सा है तुम दोनों में। काम डाउन प्लीज। जैसे तुम मेरा कमीनापन कहती हो ना मोहिनी, एक्चुअली वो मेरी मजबूरी थी, मेरी बेवकूफी थी। देखो मोहिनी, समीर की रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है, वो फिल्म डेफिनेटली हिट होने वाली है। और तुम बॉबी भरद्वाज और सुरेश खन्ना जैसे हीरोज के साथ काम कर रही हो, वो भी एक आर्ट फिल्म डायरेक्टर के साथ जो कमर्शियल सिनेमा की एबीसी नहीं जानता। उस फिल्म को सुपर हिट करने के लिए मोहिनी देवी ही काफी है। ये देखिए इसका ईगो, देखिए रामलाल जी, और वो भी हम लोगों के सामने, जिन्होंने इसे कहां से उठा के यहां तक पहुंचाया है। और तुम्हें भी प्रोड्यूसर मैंने बनाया है। वो तुम दोनों की ये बहस कब खत्म होगी? अश्विन, तुम्हें जो सलाह देनी थी तुमने दे दी है, अब मोहिनी को जो करना है उसे करने दो। After all, she's a seasoned actress. Exactly. तो ठीक है, आज के बाद तुम और मैं प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, ओके? What do you mean? मैं रामलाल जी के साथ एक नई फिल्म स्टार्ट कर रहा हूँ, एक नया हीरो और नई हीरोइन बनकर। और कहानी किसकी? मैं चलता हूँ, मेरी एक मीटिंग है। बाय अश्विन। बाय सर, मैं आपको फोन करता हूँ। बाय बहनी। बाय रामलाल जी। टेक केयर। बोलो कहानी किसकी? मेरी। तुम्हारी? तुम कब से राइटर बन गए अश्विन कुमार? अच्छा क्या है कहानी? एक सिंपल लड़की की कहानी, जिसे एक फोटोग्राफर उठाकर मुंबई ले आता है और वो यहाँ की सबसे बड़ी हीरोइन बन जाती है, और इसी प्रोसेस में मोहिनी वो अपने पति और बच्चों को भी छोड़ देती है। इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल ड्रामा, इट्स वुमन ओरिएंटेड, यू नो। व्हाट रमेश, और रामलाल जी मान भी गए? अरे फिल्म हिट होगी मोहिनी, हिट होगी, स्पेशली जब प्रेस को ये पता चलेगा कि ये कहानी सच्ची है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ मोहिनी, कुछ भी। तुम्हारी जिंदगी पे फिल्म बना रहा हूँ तो तुम्हें रॉयल्टी तो मिलेगी मिलेगी, जैसे तुम्हारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिए थे मैंने। तुम फिल्म शुरू करके तो देखो, आई विल सू यू। तुम राणा की फिल्म स्टार्ट करके देखो, आई विल एक्सपोज यू। कैसे इंसान हो तुम अश्विन, अपनी बीवी अनीता और बच्चों को छोड़कर मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया, और अब मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुले हो? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, पैसा चाहिए तुम्हें? ऑलराइट, तुम्हें पैसा चाहिए ना, ये लो, नया अकाउंट खोला है मैंने, जो करना है कर लो, लेकिन मोहिनी देवी से उसकी किस्मत तो नहीं छीन सकते ना तुम। मोहिनी देवी इज मोहिनी देवी, अंडरस्टैंड? लोग मुझे एक्सक्लूसिव कहते हैं, लेकिन प्रेस में मेरी एक स्टेटमेंट देने की देर है, तुम देखना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की लाइन लग जाएगी मेरे दरवाजे पर। और तुम क्या समझते हो, मोहिनी देवी अकेली है? मोहिनी देवी अकेली नहीं है, मोहिनी देवी के साथ ये है और ये है। तुम्हारा ये घमंड है ना, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। शुरू तो करके देखो राणा की फिल्म उस सुरेश खन्ना के साथ। सुरेश, तुमने मोहिनी और राणा के साथ हुई मीटिंग के बारे में नहीं बताया।
कामिनी, I'm still not sure. मुझे खुद पता नहीं प्रोजेक्ट शुरू होगा या नहीं, तुम्हें क्या बताऊं? कोई प्रॉब्लम है? देखो कामिनी, आजकल लोग मुझे फ्लॉप एक्टर समझते हैं, which really frustrates me. इस इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर प्रोजेक्ट में टांग अड़ाते हैं. कुछ हीरोज ऐसे हैं जो दूसरे हीरोज को गिराने की सोचते रहते हैं. डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा. अच्छा ये बताओ कि रात को खाने में क्या खाओगे? बेबी मेरी एक डिनर मीटिंग है प्रोड्यूसर के साथ. रियली? कौन है? है कोई एनआरआई. यू नो, मैं अपने होने वाले बेबी के लिए फिर से एक अवार्ड जीतना चाहता हूँ. पिछले एक साल में जो मेरे करियर को सेटबैक हुआ है, मैं उस जिंक स्पिरिट को एकदम वाइप आउट कर देना चाहता हूँ. डोंट वरी सुरेश, सब ठीक हो जाएगा. मैं जो हूँ तुम्हारी सक्सेस के लिए रोज दुआ करती हूँ. You know, I really feel bad. इस सिचुएशन में मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता हूँ. Come on, Suresh. मैं एक्ट्रेस रह चुकी हूँ और अब स्टार वाइफ हूँ. एक हीरो की पत्नी होने के नाते इतना तो समझती हूँ कि तुम्हें पार्टीज, मीटिंग्स, फंक्शंस ये सब अटेंड करना कितना जरूरी है. Don't worry about me. मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जैसे तुम्हारी जैसी अंडरस्टैंडिंग वाइफ मिली. अब जाओ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी. प्रोड्यूसर से ही मिलने जा रहे हो ना? Of course. तुम थोड़ा सा वक्त निकाल कर मुझसे मिल लेते हो, मैं इसी में बहुत खुश हूँ. रानी, तुम मेरी परेशानियां अच्छी तरह समझती हो. उधर कामनी भी प्रेग्नेंट है, उसे भी ध्यान देना पड़ता है. सुरेश, जब मैंने कामनी को माफ किया था तो तुम्हारे सामने एक शर्त रखी थी कि तुम उसे दोस्ती रखोगे. कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मजबूरी में मुझसे मिलते हो? रानी, डोंट बी सिली. मैंने तुम्हारे साथ प्यार किया था और आज भी तुम्हारे साथ एक गहरी अटैचमेंट है. लेकिन ये भी सच है कि मैं कामनी को चाहता हूं. I really don't know what to do. मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा अकेला बन दूर कर दो. रानी, I'm always there for you. लेकिन तुमसे मिलने के लिए मुझे घर पे झूठ बोलना पड़ता है. अगर तुम आज भी एक्ट्रेस होती तो शायद मिलना आसान होता. सुरेश, क्या तुम मुझे कोई रोल नहीं दिलवा सकते? फिर हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे. मैं तो खुद काम ढूंढ रहा हूँ रानी, तुम्हारी क्या मदद करूंगा? शायद मैंने गलत वक्त पर तुमसे कुछ मांग लिया. तुम मुझसे कभी भी कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन इन हालात में मैं कामिनी को परेशान नहीं करना चाहता. आई होप यू अंडरस्टैंड. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. मुझे लगता है मामा आ गई. बाय सुनीता. क्या हुआ तुम्हारे फोन को? कॉन्स्टेंटली एंगेज आ रहा है. मैं किसी से बात कर रही हूँ. और सुरेश ने भी अपना मोबाइल ऑफ किया हुआ है. मोबाइल ऑफ है? मैं बड़ा इंपेशेंट था उसे एक बहुत ही अच्छी खबर देने के लिए. क्या? पहले तुम अपनी खबर दो. आई वॉन्ट टू नो हाउ इज मिसेज कामिनी खन्ना. अब तो बस दो ही महीने रह गए, फिर मैं माँ बन जाऊंगी. कामिनी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन अब तुम फिल्म इंडस्ट्री में वापस आने की सोचना मत. कभी नहीं, लेकिन मामा तो सपने देखना छोड़ती नहीं है. हाँ भाई, हीरोइन की मामा है, the ambitious मामा कपूर. खैर छोड़ो, ये बताओ कि क्या खबर देने आए थे? हाँ, मैं एक फिल्म स्टार्ट कर रहा हूँ. रियली? चाहत का क्या हुआ? शर्म. मैं अपनी नई फिल्म अकेले प्रोड्यूस कर रहा हूँ. एंड फॉर दैट आई वांट सुरेश. और उसके ऑपोजिट मैं बहुत ही खूबसूरत यंग एक्ट्रेस को साइन करूंगा. I'm so happy, अश्विन. तुम्हें पता है, सुरेश ने राणा की भी एक फिल्म साइन की है. जानता हूँ, लेकिन ये बताओ कि इस वक्त हमारा सुपरस्टार कहाँ है? टचवुड, और एक प्रोड्यूसर से मिलने गया है. याद है रानी, हम एक साथ स्टारडम के सपने देखा करते थे. तुम तो फिर भी कामयाब हो सुरेश. तुम भी बहुत टैलेंटेड हो, बस अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जारी रखो, तुम्हारी नशे की आदत छूट जाएगी.
तुम्हें पता है कामिनी हमारे बच्चे के लिए इतनी कंसर्न है, उसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में छोड़ दी। कामिनी लगता है सुरेश और भी लेट हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम उससे कहो कि कल वो मुझे मोबाइल पे फोन करके मेरे नए ऑफिस का एड्रेस ले ले। तुमने नया ऑफिस लिया है? हाँ, वो क्या है कि मोहिनी और मेरी एडजस्टमेंट नहीं हो रही। मुझे लगता है मामा आ गई। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। हेलो मिसेस कपूर। अश्विन, तुम यहाँ इस वक्त? मामा, अश्विन अपनी नई फिल्म के लिए सुरेश को साइन करना चाहता है। अरे वाह, और मेरी बेटी कामिनी को? अश्विन भाई, आपकी बेटी को हीरोइन के शेप में आने में कम से कम 6 महीने तो लगे, इसलिए सबर कीजिए मिसेस कपूर, आइए। अरे रहने दो, देखना कामिनी मेरी कितनी जल्दी स्लिम ट्रिम होती है। तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं इसने? डिलीशियस जूस। फिलहाल मैं तो जा रहा था, लेकिन जाते जाते एक आइडिया आ गया। क्या? क्यों ना मैं आप दोनों को डिनर पे ले चलूं? नहीं नहीं अश्विन, बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। बड़ा अच्छा आइडिया अश्विन, तीनों चलते हैं बाहर खाना खाने। माय प्लेजर। कॉफी पी के जल्दी निकलते हैं, कामिनी इंतजार कर रही होगी। फिर कब मिलोगे? जैसे वक्त मिलेगा। क्या हुआ? आप क्या करोगे? इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वी नीड यू टेबल फॉर 3। श्योर सर, प्लीज कम। आइए। तो ये सुरेश की नई प्रोड्यूसर है। वो तो मैं अभी पता कर देती हूँ। चल छोड़ मुझे। मिसेस कपूर, शर्म लड़की, क्यों तुम्हें तमाम पड़ी है? प्रोड्यूसर क्या कर रही है? अरे मेरी प्रेग्नेंट बेटी को छोड़ के मेरा कमाल किसी दूसरी औरत को लेकर होटल में आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। सुना तुमने मिस्टर सुरेश खन्ना? मामा आप मेरा पिछला स्टेटस भूल रही है। अरे इससे तेरी शादी में तेरे स्टेटस का ध्यान रखा था जो तू आज मुझे याद दिला रहा है? मिसेस कपूर, ये सब बातें तो कभी नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ क्यों लाया अश्विन? इसलिए क्योंकि मेरा भगवान चाहता था कि मेरी आंखें जल्दी ही खुल जाएं। मैं चुप रहने वाली माँ नहीं हूँ। अपनी बेटी के एक एक आंसू का बदला लूंगी और सुन, तुझे तो मैं देख लूंगी। चल कामिनी। मामा, कामिनी, कामिनी, कामिनी सुनो तो। Excuse me, I'm sorry. Please sit. Excuse me. मैं जानता हूं मिसेस कपूर को आपकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, और सुरेश वो भी आपको अकेला छोड़कर चला गया। वेरी बैड। नहीं कोई बात नहीं, मैं देता हूं। क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ? पहले तो कुछ खा ले, उसके बाद जी भर के रो लेना। इस हालत में भूखे नहीं रहना चाहिए। नहीं, मुझे कुछ खाना है और नहीं मुझे जीना है। बस तुझे ही शौक चढ़ा था ना कि इस हीरो से शादी करनी है, देख लेना नतीजा। मैंने तो पहले ही से कह दिया था अगर मेरी बेटी के सामने कोई दूसरी औरत खड़ी की तो देख लूंगी तुझे। क्या देख लेंगी आप? आज तक किसी ने क्या कर लिया लव ट्रायंगल का शाम कर लेंगी। पहले तो मैं जाके उस रानी को मिलती हूँ, उसके बाद उसके हस्बैंड को। आप रानी से कुछ नहीं कहेंगे, उसका क्या दोष है इसमें? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैं तो रेस्टोरेंट में बैठ के सिर्फ उसका खाना ही खा रहा था। तुम तो प्रोड्यूसर से मिलने गए थे ना? हाँ, मैं प्रोड्यूसर से मिलने गया था। मैं प्रोड्यूसर से मिला भी, फिर अचानक वहाँ रानी मिल गई। देखो तुम झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। जो झूठ नहीं बोलता ना उसे दूसरों को ये तसल्ली नहीं देनी पड़ती। कामिनी, I can't handle this. Your mother is crazy. Crazy? अरे जिससे जरा आवाज उठाई वो क्रेजी हो गई? तू की समझता मैं अंग्रेजी नहीं आती? Crazy woman? देखिए, मैं कामिनी का ख्याल रखना अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे इस इंडस्ट्री में काम भी करना है, सो बेहतर यही होगा आप हमारी जिंदगी हमें कुछ जीने दीजिए। आप नाराज मत होइए, मैं कामिनी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे कभी दुख पहुंचाना नहीं चाहूंगा।
प्लीज काम डाउन। ठीक है, तुम दोनों जानो, मैं तो माँ हूं ना, इसका एक भी आंसू नहीं देख सकती। मैं चलती हूं, तुम दोनों खुश रहो। फ्लर्ट करती भी है तो मैं क्या करूं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं। ऐसी तसल्ली से कोई और पत्नी बेवकूफ बन सकती है, लेकिन कामिनी खन्ना नहीं। मैं वो गलती कभी नहीं करूंगी जो हर स्टार वाइफ करती है। सुरेश, मैं तुम पर हमेशा शक करूंगी ताकि तुम हर वक्त होशियार रहो। तुम कल अश्विन को मोबाइल पर फोन कर लेना। आज जो अश्विन ने किया उसके बाद तुम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अश्विन ने कुछ नहीं किया है सुरेश, फोन कर लेना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। और मेरी फिल्म में तुम्हारे ऑपोजिट एक यंग हीरोइन होगी। वो नहीं मेरी कॉलीग अश्विन, मैं राधा की फिल्म रिफ्यूज नहीं कर सकता। देखो सुरेश, तुम एक स्टार होने के साथ साथ मेरे दोस्त भी हो, मैं तो तुम्हें बेइज्जती से बचा रहा हूँ। बेइज्जती? व्हाट डू यू मीन? देखो सुरेश, मोहिनी राणा को फोर्स कर रही है कि वो तुम्हें रिप्लेस करे, और बॉबी भरद्वाज के साथ एक यंग स्टंट को साइड कर। अगर मैं मोहिनी का सेक्रेटरी होता तो उसे ये अनएथिकल काम तो कभी करने नहीं देती। लेकिन मोहिनी, मोहिनी तो अपने दोस्तों को बुला। क्यों? क्यों नहीं करोगे तुम राणा की फिल्म? तुम जानती हो उसे फाइनेंस कहाँ से मिल रहा है? कहीं से भी मिले, हमें से क्या मतलब, हमें तो अपना काम करना है। लेकिन मुझे ऐसा काम नहीं करना है। कैसा? मोहिनी तुम तो जानती हो आजकल मेरा करियर कैसा चल रहा है। I need a push. और इस push के लिए जरूरी है कि मैं किसी young fresh actor से साथ काम करूं। तुम्हारे opposite young fresh actress? Offer भी तो आनी चाहिए ना? अश्विन के पास है एक अच्छा subject. He's on mind. लेकिन अपने career की stage पे मैं कोई risk नहीं लेना चाहता।